जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बुलेट सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्राणायाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ अभ्यास नहीं बताऊंगा, लेकिन अभ्यास जो आप निरंतर कर रहे हैं, जो हमारे भाई क्षत्रिय प्राणायाम का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उसका एक परीक्षण, उसका एक रिजल्ट देखिए दोस्तों। मैं कुछ शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक फ़ायदा और लाभ बता रहा हूँ कि क्षत्रिय प्राणायाम में कितना पावर है। जैसे कि अशोक वाटिका में जब बजरंग बली जाते हैं तो उन्होंने पेड़ों को, वहाँ की अशोक वाटिका को हिला हिला के उखाड़ देते हैं, वहाँ के वृक्षों को उन्होंने हिला हिला के उखाड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ प्रयत्न, ऐसा ही कुछ एक प्रयोग मैं मेरे झाड़ पे करने जा रहा हूँ। ये झाड़ की सर्विस ख़त्म हो गई, मतलब ये अभी फल नहीं दे सकता, इन साल में सिर्फ एक ही बार फल देता, उसके बाद इसका काम ख़त्म होता। जैसे कि आप इसकी लंबाई दिखाओ, एक बार नजदीक की लंबी दिखाओ, पूरा दिखाओ ऊपर तक। दो मंजिल से भी ज़्यादा इन्हें लंबा और हरा भरा अभी भी। और मैं पर्यावरण को नष्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे अगर घर में देखें वैसा घुमाओ एक बार, ये झाड़ा बताओ पीछे के, मैं पर्यावरण को नष्ट नहीं कर रहा हूँ। ये झाड़ हटाने के बाद में मैं यहाँ पर और चार झाड़ डालूँगा। जैसे आप देखते हैं, मैं देख सकते हैं मेरा बगीचा, तो पर्यावरण को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते हुए, बस आपको एक पावर शक्ति रहे प्राणायाम का अभ्यास करने के आपको फायदे क्या होंगे मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हर पहलवान में बजरंगबली की एक छाप आती है, उसके अंदर एक अलग ही झलक दिखती बजरंगबली की, बाकी का तो खैर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमेशा लड़ने वाली तलवार बनिए, शोपटप की तलवार नहीं, दीवार पर टंगे रहना नहीं है आपको। युद्ध के मैदान में अगर, जैसे कि आज कई गौरक्षकों की हत्या हो रही है देश में, कई सारी जगहों पर नए नए किस्म के किस्से सामने आ रहे हैं, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, माँ बहन की सुरक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करिए दोस्तों। शोपुट अपने करना है अपने को, बस अंदरूनी ताकत अपने को होना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा सीधा आपको इसका प्रयोग बताता हूँ मैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप इसको धकेल रहे, कुंभक, मेन कुंभक इसके अंदर, जब आप इसको धक्का देके कोने में ढकेल रहे, तब आपको लगाना है कुंभक। कुंभक ही एक प्रकार का अभ्यास है जो कि आपकी शक्ति को दर्शाता है। कुंभक में ही सब कुछ खेल है, इसके अंदर एक भी आप श्वास खींचना है, छोड़ना है। जैसे कि पीछे जब श्वास खींचा, सामने ले आते वक्त इसको श्वास छोड़ा, यहाँ पे लगाना है कुंभक। ये लगा के कुंभक, ये देखिए पूरा नीचे से, तो एक बार नीचे दिखाओ, पूरा इन्हें जड़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आइए लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। ये देखिए, जय बजरंग बली। ऊपर भी दिखाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, झाड़ को दिखाओ, पूरा आ रहा झाड़। नीचे दिखाओ, बजरंग बली। इधर सामने आओ थोड़ा, दिखाओ इधर, जय हनुमान। ऊपर भी दिखाओ, नीचे ऊपर दोनों लो, फिर नीचे लो, नीचे लो, बजरंगबली। ये देखिए दोस्तों, राम के नाम के प्रताप से ये झाड़ गिर गया।
यार जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, मैं ये झाड़ उखाड़ा, यहाँ पर इतनी भूमि में और चार झाड़ डालूँगा मैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्षत्रिय परिणाम का अभ्यास करने का नतीजा, हमेशा जो मैं बात दोहराता हूँ, लड़ने वाली तलवार बनिए, देश की रक्षा, माँ बहन की सुरक्षा और आत्म सुरक्षा के लिए ही ताकत का इस्तेमाल करना, शो पुटअप की चीज़ अपन नहीं बनना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।